यहाँ है खाली पाव। चाय बना के रखा है, बोलती कि थोड़ा ही चाय पीती, इतना चाय करते क्या होती। ये सिर्फ दो जन का चाय और ये है खाली। वैसे हम लोग रोज नहीं खाते गाइस, ये बहुत मतलब बहुत रेयरली कभी तो खाते खारी या फिर पाव, वरना नहीं खाते। अभी चाय बिस्किट खाते और चाय हमारी पक चुकी है। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम पूनम ग्लैमरस पूनम लाइफ स्टाइल। तो अभी उजाला भी आ रहा है और मैं बहुत दिन बाद शायद ब्लॉगिंग कर रही हूँ कुछ इस तरह से, तो मैं सोच रही क्यों ना मैं वीडियोस डालूँ। तो अभी तो हम दोनों ही घर पे, मैं और मेरी सिस्टर, और अभी बज रहे हैं 12 बजे सुबह के 12 बजे। आज संडे का दिन है और आज तारीख है, आज कितना तारीख है, आज है 26। तो अभी मैं सो के उठी थी, मैं जा रही ब्रश करने के लिए, मतलब अभी सो के नहीं उठी, थोड़ी मुझे आधा घंटा सुकून हो गया है। अभी जा रही ब्रश करने के लिए, उसके हम चाय पियेंगे और फिर देखते हैं कि क्या करना है। आज एक वीडियो जाएगा, लॉन्ग वीडियो, जो कि मैंने आधा ऑलमोस्ट एडिटिंग किया है, तो वो भी डालूँगी। और ये ब्लॉग भी शायद आज का जो भी पूरा। गाइस मैं आ गई हूँ बाथरूम में ब्रश करने के लिए, तो प्लीज़ इग्नोर करना बाथरूम को, आपको थोड़ा सा मैसी लगेगा। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही, सुबह उठने के बाद फिर मैंने मतलब काफ़ी लेट उठी थी मैं, तो यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ मैं। और कुछ छोटू सा मतलब छोटा सा ब्लॉग है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और घर में कोई नहीं था तो हम लेट, संडे का दिन था इसलिए थोड़ा सा लेजी लेजी फील कर रही थी मैं। ग्लास ले लिया है और ये छन्नी, ये थोड़ी सी फट गई है, इसको इग्नोर करना। तो आज क्या, मैं तो हमेशा ही ग्लास में पीती हूँ और आप सबको ही पता है कि मैं ग्लास में चाय पीती हूँ। और आज थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आज मैं खारी खाने वाली हूँ, वरना तो नहीं रहती है, पर ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इसमें से मेरी बहन ले ले रही है चाय, थोड़ी सी क्वांटिटी इसको कम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इतना चाय मैं लूँगी गाइस। और मुझे बताना कि अगर खारी के साथ में आप चाय पीते हैं तो आप कितनी चाय पीते हैं, या तो आप दो बार में लेते रहेंगे या फिर पता नहीं। पर एक पाव भी लाया था साथ में, खारी भी था। तो ऐसे आज मैं व्लॉग में वॉइस ओवर बहुत कम करूँगी क्योंकि मुझे नहीं करना, क्योंकि बहुत बोर होता है वॉइस ओवर करने में। और मैं बैठ गई नीचे, अभी चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे चाय खारी। और मेरी खारी इतनी सारी एक साथ नहीं खाना है क्योंकि वैसे नहीं खाते हम लोग खाली, क्योंकि ये सच में हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है और फैट बढ़ता है। और सब बोलेंगे तुम तो वैसे भी बहुत पतली हो। हाँ बिल्कुल पतली हो, पर लोगों को बहुत ये रहता है कि अरे खा लिया तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मोटे या फिर पतले तो नहीं खाना चाहिए, हमें हमारे हेल्थ के हिसाब से खाना चाहिए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वैसे तो मैं बहुत बाहर का खाती हूँ, लेकिन फिर भी सोचती हूँ कि कम खाऊँ, कंट्रोल करूँ क्या चीज़। मतलब एक शेड्यूल के हिसाब से होता है कि हमारे शेड्यूल जैसे मैंने कितना टाइम पे क्या खाया है उसके हिसाब से खाने की कोशिश करती हूँ। तो आज थोड़ा सा चलता है। वैसे हम लोग नवरात्रि चालू है, 9 दिन का मम्मी का व्रत होता है, तो वैसे हमने पूजा पाठ नहीं कर रहे कुछ रीज़न की वजह से, बट व्रत तो रखा है, सब मम्मी ने रखा है, हमने भी रखा था। नवरात्रि का पहला और आखिरी दिन था मेरा। तो गाइस हमारे घर में लहसुन प्याज इस समय बंद है, बिल्कुल नहीं खाते हम लोग, तो बिल्कुल मतलब इतना सा भी नहीं चलता है। और अभी मैं जा रही चाय और खारी खाने और देखते आपके साथ दिखाती भी कैसे। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले ये भाजी है, इसके साथ में मैं पाव खाऊंगी क्योंकि अच्छा लगता है। और मेरे हाथों भी बाल दिख रहे होंगे तो लोग बोलते होंगे कि ये यूट्यूबर होने के बाद भी वैक्स नहीं करती, तो सच में मुझे टाइम नहीं मिल रहा, थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ मैं। एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा आलसी, क्योंकि मुझे पार्लर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पे करना होता है लेकिन टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है तो फिर मैं यूट्यूब पे कई सारे यूट्यूबर्स हैं उनके ब्लॉग देखते मैं बिजी हो जाती हूँ, नहीं देखती मैं कई बार, मतलब कई बार नहीं करती मैं, बहुत टाइम से सोच रही करने के लिए पर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं चाय और ये आलू वाली भाजी थी जो बिना लहसुन प्याज की बनी थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है उसमें, अच्छा लग रहा है। और एक दो बार हमने और भी ट्राई किया था, कभी कभी मिसल पाव ऐसे जैसे रहता है वैसे ही, मतलब थोड़ा सा टेस्ट अलग है भाजी का,
मेरे गाइस चाय सॉरी पाव और चाय पाव और सॉरी क्या बोल रही पाव और भाजी खा लिया है और मैं अभी तक शावर नहीं ली हूँ, शावर भी लूँगी चाय पीने के बाद, मैं शावर लेने वाली हूँ और अभी मैं खाने जा रही हूँ। मुझे और ना मुझे और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है खाली, और सबको टोस्ट बटर ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे और भाई को खाली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम दोनों बहुत शौक से खाते हैं। परसों शुक्रवार के दिन दीदी अरे सॉरी मम्मी पापा भाभी भैया आ जाएंगे घर पे, चाय खारी टोस्ट बटर खाने का जो असली मज़ा है ना वो गांव में होता है, क्योंकि सबके साथ में खाना और मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे ना तो मेरे नाना हमारे लिए टोस्ट लेके आने का और वो मीठा वाला पाव, और हम सब बच्चे इकट्ठे बैठ के बहुत शौक से खाते थे और बहुत मज़ा आता था। वो उस टाइम की बात ही कुछ और थी ना, अभी बहुत टाइम हो गया, मतलब करीबन 5-6 साल हो गया कि हमें बहुत ज़्यादा आदत नहीं है टोस्ट बटर खाने की। हम कभी जब भी बहुत मन किया खाने की इच्छा हो रही है तभी खाते थे, वरना बचपन में ना तो ये डेली का हमारा था कि हमें डेली खाना है, मतलब डेली हमारे चाय के साथ में कभी बटर कभी टोस्ट कभी खारी होता ही था, पर अभी बहुत कम हो गया। अभी हम बिल्कुल मतलब कि ना के बराबर खाते हैं हफ्ते में कभी महीने में, वरना हम सिर्फ बिस्किट खाते हैं। पापा को तो वैसे भी न्यूट्रीशाइज की बिस्किट पसंद है, ये सब बिस्किट वो नहीं खाते हैं, और खारी लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि हम लोग बहुत मतलब उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें मैदे का बना होता है ये सब चीज़ें, तो उसको अवॉइड करो। अगर आप भी खाते तो आप भी अवॉइड करेंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि सच में ये हेल्थ के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। तो आप भी हो सके तो उसको अगर खाते हैं तो मत खाइए, और देखते हैं जो भी मेरा दिनचर्या होगा आज का, जो भी शेड्यूल मतलब जो भी आज का संडे वाला दिन होगा मेरा, वो कोशिश करूँगी कि मैं शेयर करूँगी। वैसे कुछ खास बहुत नहीं होने वाला है, पर मैं शेयर करूँगी आज के दिन। थोड़ी सी चाय गिर गई है नीचे, और ये है हमारी खारी और ये है टोस्ट, खारी और चाय, टोस्ट नहीं लाया भाई। तो भाई अभी मैं भी मतलब ना मुझे ना बहुत एक बात और बोलूँगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बिल्कुल भी, और प्लीज़ कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो, और आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली में शेयर कीजिए। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, तो गाइस मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरा जो गांव है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में किधर, मैं भदोही की रहने वाली हूँ। आई होप सो आपको सब मेरा जो जवाब था मिल गया है। कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि आपका लोकेशन किधर है, तो मैं पूरा एग्जैक्टली अपना लोकेशन तो नहीं शेयर कर सकती आपके साथ में। मैं आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ पे बहुत धूप और अंधेरा है, तो पहले मैं विंडो ओपन कर देती हूँ। ये हमारा छोटा सा विंडो, इसका ये जो कि टूट गया है, तो इसके अंदर इसको हाथ से पहले ना ये जो रब रस्सी देख रहे हैं इससे खुल जाता था इसको खींचने पे, और अभी ऐसे हाथ से उठाना पड़ता है। तो गाइस मैं यहाँ पे आई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े हैं जो कि गीले हैं उनको डालना तो सुखाने के लिए, इसके लिए मैं स्पेशली ऊपर वाले कमरे में आई हूँ। कुछ लोग कन्फ्यूज़ रहते कि मेरा घर कैसा है, जो ऊपर का कमरा है ना उसमें टाइल्स नहीं लगी हुई है, और जो नीचे के घर में पूरी टाइल्स लगी हुई है, तो आप समझ जाना कि मैं नीचे वाले घर में उसके ऊपर वाले घर में हूँ। तो यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए आई थी, और थोड़ा सा मुझे एडिटिंग करना है वीडियो का, तो शायद मैं वो करूँगी या फिर पहले नहाऊँगी, शावर लेने के बाद शायद एडिटिंग करूँ, क्योंकि कुछ शायद दीदी की सास जो मदर इन लॉ है वो आने वाली हमारे घर पे शायद, क्योंकि उनका चेकअप था यहाँ पे ही पास के हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो शायद वो घर पे आए शायद। तो पहले मैं नहा लेती हूँ ताकि कोई ऐसा ना बोले कि इतना टाइम हो गया, क्योंकि इन जनरली मतलब कि हमारे यहाँ सुबह सुबह नहा लेते हैं लोग,
और यही थॉट रहता है। और अभी बज रहे शायद 1 बज रहा है, दोपहर का 1 बज रहा है, और अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ, शावर नहीं लिया है, तो मैं पहले शावर लूँगी, उसके बाद शायद एडिटिंग करूँ, क्योंकि काम कुछ है नहीं हमारे घर में, हम दोनों बहनें हैं तो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं हमारे, हम खुद धो लेते हैं। और खा पी लिया है बहुत अच्छे से, हैवी नाश्ता हो गया एक तरह से बोलूँगी, तो अभी दिन का खाना क्या बनेगा देखते हैं हम, तो जो भी रहेगा शेयर करूँगी मैं आप सबके साथ में। और प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि चश्मा आप मेरे पे सूट होता है कि नहीं होता है। और देखो ये डिम्पल दिखती है, हल्की सी छोटी सी है पर दिखती है। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े डाल दूँ सुखाने के लिए जो कपड़े मैंने लाए हैं, उसके बाद मैं आप सबसे बात करती हूँ। ये बंद कर देना, कैमरा निकाल देना से पहले, तो कैमरा गिर दोस्तों। तो आज हमने बालों में कलर भी लगा लिया है, ये थोड़ा सा ब्लीच टाइप का होता है, इसका जो पाउडर होता है ना कुछ ब्लीच टाइप का होता है, और ये कुछ स्ट्रिक्स का है, ये 190 का एक बॉक्स है जो छोटा वाला बॉक्स है। तो और इसके बाद में काफ़ी हद तक कलर आ चुका है, इसका एक वीडियो भी आएगा इसकी, मतलब मेरी बहन के ऊपर मैंने दिखाया है कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा दूँगी। और देखते हैं मेरा कब तक आएगा, मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया है बालों में, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं सही था, यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का सा लगा लिया है, और यहाँ पे इसके पूरे बालों में लगाया है, और मतलब कि ना बट ऐसा छोटे से बट लेके लगाया है, तो देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा। और फिर हम अभी शावर नहीं लिए, शावर भी ले लेंगे अभी, और संडे का दिन आज कुछ थोड़ा सा यूज़फुल लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मतलब कि यूट्यूब से रिलेटेड काम ही वो कर रही हूँ, थोड़ी सी खुशी हो रही है कि हाँ कुछ तो हो रहा है आज। तो अभी हम वॉश करेंगे अपना हेयर, और इसे 30 मिनट्स रखना होता है, तो अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं पहले नहीं हुआ, और फिर इसके बाद वॉश कर लेंगे, और फिर देखते कैसा है, और जब कलर चढ़ेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे बाल में भी कैसा लग रहा है। शेक कर रहा है, तो अभी मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ गाइस, बाल धो लिए, शावर भी ले लिया है मैंने, और बना है दाल चावल, तो दाल चावल खा रही हूँ, और फिर थोड़ा टाइम पे बड़ी मम्मी के घर जाएंगे, थोड़ा सा बातें करेंगे, उसके बाद आके फिर काम करेंगे। काम ज़्यादा कुछ नहीं, कपड़े धुल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है वैसे, तो यहाँ पे मैं दाल चावल खा रही हूँ, और ये मेरा दाल चावल। नौ दिन का नवरात्रि है, तो बिना लहसुन का खाना बन रहा है, लहसुन प्याज का, पर ठीक है, एक मतलब दिन भर में एक टाइम तो दाल चावल चाहिए होता है मुझे। ठीक है, से ले लेना, उसमें लगा हुआ है। और फिर थोड़ा सा शेक कर रहे हैं मोबाइल, क्योंकि और बच्चों को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है ना, क्योंकि बच्चे संडे हैं, और ऑलमोस्ट सभी बच्चों का एग्ज़ाम्स हो गया, किसी का चल रहा है, और मुझे ना दाल चावल हाथ से खाने की आदत है, दाल चावल हो या फिर कुछ भी हो, मुझे चम्मच इतना खाना पसंद नहीं है, मैं चम्मच से खाने पे ना कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि पेट नहीं भर रहा है। और यहाँ पे मैं देखो इधर क्या है सर, ये क्या है, ये क्या है, क्या है मिस्टू, नींबू नहीं, ये तो ऑरेंज लग रहा है मुझे। ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये क्या है, ये एप्पल है, ग्रीन एप्पल है, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, अरे वाह, ये क्या है, कुछ नहीं है, जूस है ना,
हाँ इसमें आइस क्यूब भी है, आइस क्यूब है। यस अच्छा हेलो करो, हेलो 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 कर दो मिस टू। शाम को गए थे हम लोग मार्केट क्योंकि हमें फुटवेयर मतलब बहन के लिए सैंडल्स लेने थे, तो हम सब चप्पल लेने गए थे। हम तीनों चारों बहन गए थे और बहन की एक छोटी सी बच्ची है वो भी गई थी साथ में। तो हम कई दिन बाद ऐसे बहुत टाइम के बाद ऐसे बाहर निकले गए। तो ये मेरी बहन है सारी और हम सारे सिस्टर सब एक साथ गए थे शॉपिंग करने के लिए। कुछ ज़्यादा खरीदने थे, कुछ पूजा पाठ के सामान खरीदने थे और बस यही सब खरीदना था, चप्पल लेने थे एंड दैट्स इट। ये है मिस्टी जो कि मेरी कज़िन सिस्टर की लड़की है बेटी। तो यहाँ पे वो हाय करी, काफ़ी चंचल है वो लेकिन बोलती ऑन कैमरा कोई जल्दी बोलता नहीं गाइस। तो गाइस इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है और अभी हम सोने जा रहे हैं, यहाँ पे बिस्तर भी लग चुका है। गुड नाइट। तो सिर्फ ये बोलने के लिए आई थी मैडम, वीडियो ख़राब करने आती है तो गाइस इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ क्योंकि ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए और ये मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है इसमें यार? तो ये मैंने हाईलाइट किया था कुछ इस तरह से थोड़ा सा। गुड नाइट बोलने के हाईलाइट भी दिखाना रहता है। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, तो बाय और आप सब लोग खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।